हेलो एंड वेलकम बैक टू टॉप एमसीक्यू सीरीज ऑफ कोको, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से आपका सीजीपीएससी का संपूर्ण सिलेबस कवर करा रहे हैं। रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग का ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। निश्चित तौर पर आपसे 4 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाते हैं आपके सी सेट में, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको ये आपका निर्णायक क्षमता वाले में आता है, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और एक निर्णय लेने के लिए अपन आते हैं। तो ये वाला प्रश्न क्या होता है, सीजीपीएससी के जो सी सेट वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने से पहले ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे ना, बहुत ईजी लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस प्रश्न को सही सही बना सके, ठीक है। जैसे आपके पास यहां पर क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, आप क्या करेंगे, आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, ठीक है, मतलब आपके पास क्या होगा, कथन पड़ेगा। आप क्या करेंगे, आप उस कथन को पढ़ने के बाद उसके आप एक निष्कर्ष पे आएंगे, ठीक, या उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो उसके बारे में जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां से क्या होगा, आपको अलग अलग यहां पर क्या होगा, थॉट्स आएगा, ठीक है, उसका आप क्या करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे। जैसे सपोज मैंने बोला कि एक T20 मैच में भारत ने आज 230 रन स्कोर किया पहली बैटिंग करते हुए। ये मैंने एक स्टेटमेंट आपको यहां पर दिया, क्या दिया स्टेटमेंट, भारत ने पहली बैटिंग करते हुए एक T20 मैच में 230 रन बनाया। अब ये कथन पढ़े, अब ये कथन पढ़ने के बाद यहां पर हम क्या क्या सोच सकते हैं, भारत की मैच में जीतने की संभावना अधिक है, ठीक, पिच सपाट है, बैट्समैनों की मददगार है, ठीक, भारतीय बैट्समैनों ने बहुत अच्छा खेला, सामने वाली टीम की जो बॉलिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक, और शुरुआत के 2-3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाए, ठीक, काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से। तो हम ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद क्या करेंगे, बहुत सारे क्या करते हैं, उनके कंक्लूजन पे आते हैं, आर्गुमेंट में आते हैं। तो ये जो होता है कथन को पढ़ने के बाद, हम उसके जो विभिन्न विभिन्न पहलू के बारे में जो विचार विमर्श करते हैं, जो निष्कर्ष निकल के आते हैं, उसको हम बोलते हैं यहां पर कंक्लूजन, ठीक, कंक्लूजन बोल सकते हैं, एजम्पशन बोल सकते हैं अपन, ये होता है। तो फिर हम जो एजम्पशन जो निकाले हैं वो उसको क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट से क्या करेंगे, मैच करेंगे और देखेंगे कौन सा उसको फॉलो करता है, कौन सा उसको फॉलो नहीं करता है। लेकिन जब इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। सबसे पहला, डोंट रश थ्रू द एजम्पशन क्वेश्चंस, यू मे नॉट बी एबल टू आंसर इस करेक्टली। जब आप कथन को पढ़ेंगे, कथन के एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, कभी भी उसको बहुत जल्दी पढ़ने का कोशिश नहीं करेंगे, ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक। एजम्पशन गलत है ना, एजम्पशन विल ऑलवेज बी इनडेफिनेट एंड एनकरेजिंग इन नेचर, मतलब आप उसका एकदम, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट कंक्लूजन ही निकाल सकते कि निश्चित तौर पे होगा। जैसे मैंने बोला कि भारत आज 230 रन बनाया तो भारत निश्चित तौर पे यहां पर मैच जीतेगा, है ना, या भारत निश्चित तौर मैच हारेगा, एक निश्चित नहीं कर सकते आप। हाँ, ये बोल सकते हैं कि भारत की जीतने की संभावना अधिक है, आप ये बोल सकते हैं। तो जो आपका जो निष्कर्ष होगा, जो एजम्पशन होगा, वो क्या होगा, इनडेफिनेट होगा, अनिश्चित होगा। दूसरा, एनकरेजिंग इन नेचर, एनकरेजिंग इन नेचर, जब भी हम क्या करेंगे, सपोज मान लो गवर्नमेंट ने कोई नया स्कीम लेके आए, या कोई सलाह मशवरा दिया, या कोई कथन में जिसके बारे में बात हो रही है, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा, आपके पास सकारात्मक निकलेगा, नकारात्मक रवैया उसका नहीं निकलेगा, ठीक, नकारात्मक रवैया आपको वहां पर क्या होगा, आपका नहीं निकलेगा। जैसे सपोज आपको बोला गया, आपके पास, मैंने सपोज बोला कि रेल में एक चेतावनी लिखा हुआ है कि आप दरवाजे के पास ना खड़ा होइए, ठीक, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, ये आपको वहां पर आपको लिखा गया है, ठीक। तो आप मान के चलेंगे, आप ये मान के चलेंगे कि हाँ, भारत के जो लोग हैं उस नियम का पूरी तरह पालन करेंगे, ये हम मान के चलेंगे।
तो आप वहां पे ये अजम्पशन नहीं कर सकते कि ट्रेन में बहुत भीड़ रहता है तो लोगों को बैठने का नहीं मिलता इसलिए वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक, कुछ अनावश्यक तथ्य जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, वहीं पर जाके खड़े होते हैं, लोग इसका पालन नहीं करते। तो इस टाइप का जो नकारात्मक व्यू है ना, आप उसको आप नहीं ले सकते, हमेशा उसका सकारात्मक व्यू को ही लेंगे, ये दूसरा चीज। ठीक, तो वो सही होगा। कब गलत होने का संभावना है? इफ द स्टेटमेंट इज कंटेनिंग वर्ड्स लाइक ईच, ओनली, एनी, ऑल, सभी, क्या दिया अपने पास, सभी, सभी दिया है, प्रत्येक दिया है, केवल एक, एकमात्र दिया है, या प्रश्नवाचक रूप में दिया हुआ है, वो हमारे पास मान्य नहीं होगा। ये सबसे पहला चीज, आपको प्रत्येक दिया हुआ है, केवल दिया हुआ है, एकमात्र दिया या प्रश्नवाचक चिन्ह में दिया हुआ है, तो वो आपका मान्य आपके पास नहीं। ठीक, दूसरा चीज क्या होगा आपके पास, वो एकदम डेफिनेट होगा। बताया था आपको इनडेफिनेट को सत्य माना जाएगा, जो डेफिनेट होगा 100% श्योरिटी वाला होगा उसको हम लोग नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, दूसरा, कभी भी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, हमेशा सिर्फ उसी टाइम को, उसी जगह को मद्देनजर लेके चलेंगे, उसके भूतपूर्व में या उसके, है ना, उसके भूतपूर्व में क्या हुआ था, इसके भविष्य में क्या होगा, आप उसकी संभावना आप लेके नहीं चल सकते। ठीक है, जैसे अगर सपोज मैंने बोला कि किसी राज्य की सरकार में अचानक गिरावट, ठीक है, अब किसी राज्य की सरकार में अचानक अविश्वास प्रस्ताव आ गया, ये हमारे पास कथन दिया हुआ, किसी राज्य की सरकार में क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, जिससे सरकार को वहां पर क्या करना पड़ेगा, फिर से सरकार बिल्डअप करना पड़ेगा, ये हमारे पास कथन हो गया। तो इसका आप ये नहीं बोल सकते कि जो वर्तमान में सरकार काम कर रही थी वो भूतपूर्व में अच्छा काम नहीं कर रही थी, जिसका खामियाजा उसको अभी भुगतना पड़ा, आप ये भी नहीं बोल सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि वर्तमान में जो सरकार बनेगी वो आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगी और लंबे समय तक चलेगी, आप ये भी नहीं बोल सकते। तो जब भी कथन के बारे में बात होगी तो हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, हमेशा एट प्रेजेंट सिनेरियो को, या उस टाइम जिसके बारे में बात हो रही है हम उसी को लेके चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। ठीक है, अब कथन और सच कहां कहां पे हो सकता है, जब आपको वहां पर क्या दिया हुआ है, मैनी दिया हुआ है, सम दिया, मच दिया, है ना, अधिकतर, काफी हद तक, है ना, मैक्सिमम आपको इस जगह 100% शॉर्ट नहीं देगा, लेकिन आपको अधिकतर, जैसे मैंने बताया था ना, भारत ने 230 रन बनाया है एक T20 मैच में, मैच की संभावनाएं बढ़ गई है, तो यहाँ पे हो सकता है वो होगा, निश्चित तौर पर जीतेगा वो आपको नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर वो मैसेज है, अगर सपोज वो एक मैसेज है या एडवर्टाइजमेंट है या आपके पास कोई नोटिस है जो गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, तो हम मान के चलेंगे उसका 100% वो क्या है, सच होगा, उसको फॉलो किया जाएगा और जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ वो सत्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने ये बोला कि सपोज वीडियोकॉन की जो टीवी है वह सबसे अच्छे किस्म की होती है, ये एडवर्टाइजमेंट दिया है वीडियोकॉन, ठीक है ना, ये वीडियोकॉन ने दिया हुआ है, तो वहां पे निश्चित जो आपको वीडियोकॉन जो एडवर्टाइजमेंट दिया है ना, उसका मतलब वीडियोकॉन सबसे अच्छी टीवी है, उससे अच्छा कोई टीवी नहीं हो सकता। ठीक, अब आप वहां पर ये तर्क करेंगे कि वर्तमान में एप्पल नई टेक्नोलॉजी की टीवी लेके आ रहा है जो वीडियोकॉन से बेहतर है, आप इसको मान्य नहीं करेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट प्रकाशित हुआ है, जो भी प्रकाशित हुआ है नोटिस के रूप में या एडवर्टाइजमेंट रूप में जो आपको दिया है उसको सच मान के जाएगा। ठीक है, ये होगा। इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलफेयर, बताया था आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज, आपको ये वाला जो होगा ये हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वो आपके पास, हम ये मान के चलेंगे कि उसका सही सकारात्मक फॉलो होगा या उसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो कभी भी आपके पास जो कंक्लूजन हुआ या एजम्पशन हुआ आपके पास प्रश्नवाचक रूप में नहीं आ सकता, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा, कभी भी आप कंपेरिजन में नहीं जाएंगे, तुलना में नहीं जाएंगे। ठीक है, तुलना में आप नहीं जाएंगे, तुलना में नहीं जाएंगे। अगर सपोज मैंने बोला कि भारत विश्व की पांचवी आर्थिक महाशक्ति है, अगर सपोज मैंने बोला कि भारत विश्व की पांचवी, है ना, आर्थिक विश्व महाशक्ति का सपोज मैंने आपको बोला, ये आपको स्टेटमेंट आपको दिया होगा, तो यहां पर अगर सपोज मैं बोला कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान से अच्छी है, भले ही ये आप देखेंगे तो ये बात तो सत्य है, लेकिन यहां पर हम बात किसी कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था की कर रहे हैं,
और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, किसी और से कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से कंपैरिजन में करेंगे तब वहां पर क्या होगा, तब वो यहां पर क्या हो जाएगा, वो गलत होगा। हाँ, अब अगर सपोज मैं ये बोला कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक रूप से महाशक्ति है, अगर मैं बोला भारत है ना सबसे टॉप में, सबसे टॉप में मतलब एक ही है वो, सबसे टॉप में अटमोस्ट में है, तब आप क्या कर सकते हैं, उसका तुलना आप किसी दूसरे से आप कर सकते हैं, जब उसके लेवल तो कोई दूसरा आपके पास नहीं हो। तो कुछ ये वाले पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन करेंगे। स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष हुआ, कथन परिणाम हुआ, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स हुआ, स्टेटमेंट कंक्लूजन हुआ, स्टेटमेंट एजम्पशन हुआ, ठीक है, तर्क वितर्क वाला जो अगले सेशन में इसके और जो करने वाले हैं इसके और थोड़े से एडवांस रूप में, तो वो सब में ये सब जो चीज है ना ये आपको हर जगह काम आए। एक बार केसेस को ध्यान से देख लीजिए फिर हम इसको आगे बनाना चालू करते हैं। ठीक, ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने आपको बताया पढ़ने में कभी भी हड़बड़ी मत करिएगा, उसको आराम से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, और क्या कहना चाह रहा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे। यहां पर बोल रहा है इकोनॉमी ऑफ इंडिया प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन फॉरेस्ट, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वन पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से वन पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत यहाँ पर प्राय यहाँ पर क्या जो हमारे पास है वो डिपेंडेंट किस पे, कृषि पे। और कृषि पे जब डिपेंडेंट कब होगा, जब उसके पास क्या होगा, उसके पास वर्षा प्रॉपर रूप से होगी, खाद्य बराबर रूप से मिलेगा, और ये सब जो कारण है, जो कारक है जहां से प्रोड्यूस होता है वो आपके पास कौन सा है, वो आपके पास फॉरेस्ट है, वन ही है वहां से। ठीक, क्योंकि आपके पास एटमोसफियर को संतुलन करने में, ठीक है, वो फॉरेस्ट सबसे मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर सेविंग ऑफ ट्री शुड बी डन टू ग्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पेड़ों को बचाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि फॉरेस्ट तभी बढ़ेगा जब पेड़ बचेंगे। तो पहले आपके पास तो बिल्कुल सही, ठीक, ओनली इंडिया नीड टू फोकस ऑन, ओनली सिर्फ भारत को, सिर्फ आगे ना मतलब केवल एक, सिर्फ भारत को पेड़ बचाने, मतलब भारत को सिर्फ पेड़ बचाने पे ध्यान देना चाहिए, बाकी किसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये होगा। द ओनली वन यहां शोज दैट कि ये आपका नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत बार ये भी होता है कि आपके पास जो कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन इंडिपेंडेंट रूप से सत्य होगा, इंडिपेंडेंट रूप से यहां पर क्या हो गया, सत्य होगा, इंडिपेंडेंट रूप से सत्य होगा, लेकिन वो स्टेटमेंट को कोरिलेट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को कोरिलेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सपोज बोला है कि मोटापा छोड़ने के लिए पतंजलि का फलाना दवाई खाए, इससे आपका मोटापा जल्दी सुधर जाएगा, ये स्टेटमेंट है। क्या बोला, अगर आपको मोटापा कम करना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पतंजलि की दो दवाई नियमित तौर पे आप खाइए, ये स्टेटमेंट है। अब इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है, नियमित व्यायाम करने से मोटापा कम होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो मैंने कंक्लूजन बोला कि नियमित व्यायाम से मोटापा कम होता है, इंडिपेंडेंट रूप से सत्य है, लेकिन कथन में मोटापे का रिलेशन किससे बता रहा है, पतंजलि की दवाई से बता रहा है। तो जब तक कि कंक्लूजन में या उसके एजम्पशन में पतंजलि और मोटापे का इंटर रिलेटेड कोई रिलेशन ना शो किया जाए, तो कंक्लूजन इंडिपेंडेंट रूप से सत्य होते हुए भी अमान्य हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होगा, वैलिड होगा। नाउ द नेक्स्ट, इट इज नॉट गुड टू इंटरफेयर इन एनी वन्स प्राइवेट लाइफ, किसी की निजी जिंदगी में दखल देना ठीक नहीं, बिल्कुल सही बात है ना, किसी के व्यक्तित्व मामले में अतिक्रमण बुरी बात है, बिल्कुल सही है, सही बात है, ठीक। व्यवसायिक कारण, यहां तो सिर्फ क्या दिया, व्यवसायिक विवरण निजी जीवन की, यहां पर तो अपने पास प्राइवेट लाइफ का बोला है ना, अपने पास व्यवसाय के बारे में बात ही नहीं हो रहा अपने पास, है ना, यहां बात ही नहीं हो रहा अपने पास, प्रोफेशनल के बारे में बात ही नहीं हो रहा है, तो सेकेंड आपके पास सही होते हुए भी आपके पास नहीं होगा, तो सिर्फ एक मान्य होगा, ठीक है। नो द नेक्स्ट वन,
पाकिस्तान इज प्लानिंग टू टेस्ट 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन बगदाद। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो लॉजिकली और पॉसिबली रूप से सत्य नहीं हो सकता, तो उसके स्टेटमेंट और उसके एजम्पशन कितने भी स्ट्रांग हो वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। याद रखिए, अब अगर मैं बोला पाकिस्तान इज प्लानिंग टू टेस्ट 5 बगदाद, कहां पर है बगदाद? आपका अफगानिस्तान में, ठीक है ना भाई, अफगानिस्तान बगदाद, बगदाद अफगानिस्तान में। अब अगर मैं इस्लामाबाद में बोल सकता, बोल सकता है, क्योंकि वो उसकी खुद की कंट्री है, उसका वहां पे वो उसका खुद का कंट्री का यहाँ पर कह दिया, खुद का स्टेट है वहां पर उसके पास, ठीक है, और उसकी राजधानी है, तो वहां पर वो कर सकता है, छूट है उसको, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत कर रहा है। ठीक है, जैसे भारत को परमाणु परीक्षण करना है तो अपने पास पोखरण है, अपने इंडिया में कहीं करेगा, कोई दूसरे राष्ट्र में तो कर सकता नहीं है, क्योंकि वहां का परमिशन ही नहीं देगा। न्यूक्लियर जो होता है बहुत क्या होता है, क्रिटिकल होता है, तो आप वो परमिशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब ये चीज पॉसिबल नहीं, तो आपके ये स्टेटमेंट, आपके कंक्लूजन, आपके जितने भी अच्छे हो गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, ओनली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल आर इन्वाइटेड इनटू द कॉन्फ्रेंस। क्या बोला है समझना, सिर्फ स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित किया गया है और शक्ति को सम्मेलन में पहुंचने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो शक्ति क्या होगा, चतुर तो हो गई होगा, शक्ति बुद्धिमान भी होगा, ठीक है ना, शक्ति यहां पर क्या होगा, चतुर भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, क्योंकि सम्मेलन में बुला किसको रहा है, जो स्मार्ट हो और इंटेलिजेंट हो, इसीलिए यहां पर शक्ति स्मार्ट भी होगा, शक्ति इंटेलिजेंट भी होगा, तभी तो उसको बुलावा आया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर वर्ड आया है ओनली, इसीलिए तो दोनों फॉलो करेगा। नेक्स्ट, कंपनी जेड इज मेकिंग सच कैमरा दैट यू कैन टेक परफेक्ट फोटोज इवन इन बैड वेदर। कंपनी जेड ने एक ऐसा कैमरा बनाया है जो आप जब भी आपके मौसम खराब हो तो आपकी आपकी फोटोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से आपके हो। ठीक है, कंपनी जेड इज मेकिंग, तो नो अदर कंपनी एज मैन्युफैक्चरिंग कैमरा यूनिट, ये आप नहीं बोल सकते। ठीक है, यहां पे ना, तो आप नहीं बोल सकते। ठीक है, आप नहीं बोल सकते, नो अदर कंपनी हैज सच अ मैन्युफैक्चरिंग कैमरा यूनिट। ठीक, कंपनी जेड एक कैमरा बना रही है, ठीक, ओनली कंपनी जेड इज मेकिंग सच कैमरा। अगर मैं यहां पर यह बोलूंगा ना कि ओनली कंपनी जेड इज मेकिंग सच कैमरा दैट यू कैन, मतलब सिर्फ क्या बोला, सिर्फ कंपनी जेड ऐसा कैमरा बना रही है जिससे आप खराब मौसम में परफेक्ट तस्वीरें ले सकेंगे, तब अगर मैं बोलूंगा कि किसी अन्य कंपनी के पास ऐसे विनिर्माण कैमरा इकाई नहीं है तो वो सही होगा। बात समझ रहे हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, इसको गलत क्यों दिया गया ये आपको समझना जरूरी है। और आपको वहां पर अगर ओनली दिया है तो वो 100 उसे सिर्फ और सिर्फ जड़ी के पास है, उसके पास नहीं है, जैसे मैंने आपके पास वीडियो कॉन का एग्जांपल बताया था आपके पास। ठीक है, इससे कोई परफेक्ट ले आदमी ले सकता है कि नहीं, क्योंकि बात क्या हो रही, कंपनी जड ऐसा कैमरा बना रहा है कि जब आपके पास कंडीशन आपके पास क्या हो, खराब हो, तब भी आपके पास क्या हो, वेदर खराब होगा तब भी आप वो बना सकते हैं, आपके पास सिर्फ उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो आदमी ले सकते, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही, तो आपके पास दोनों वैलिड नहीं होगा। अगला, द पैनल आस्क 5 मेंबर्स टू रिजाइन फ्रॉम जॉब और एल्स दे विल बी फेसिंग फोर्सफुल रिजेक्शन। पैनल ने क्या किया है, 5 लोगों को नौकरी से इस्तीफा देने को कहा गया है और उन्हें जबरदस्ती अस्वीकृत करने का सामना पड़ेगा। इनमें से 4 ने आज शाम तक इस्तीफा दे दिया, 4 ने आज शाम तक दे दिया। ठीक, तो हो सकता है कि कल, हो सकता है, 2 कंडीशन क्या होगा, वो प्रबंधक कल इस्तीफा देगा, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि करनी पड़ेगा, और अगर नहीं करेगा तो पैनल कल से यहां पर क्या कर देगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, या तो ये होगा, और अगर ये नहीं होगा तो या तो ये होगा, तो दोनों में इसलिए आइदर वाला केस है। ठीक,
या तो वो खुद इस्तीफा दे देगा। अगर वो इस्तीफा नहीं दे जाएगा तो यहाँ पैनल क्या करेगा, उसको टर्मिनेट करेगा, क्योंकि बर्खास्ती का यहां से ऑर्डर आ चुका है। इसीलिए क्वालिटी कम्स विथ द प्राइस, इंडियन स्पेंडिंग अ लॉट फॉर एजुकेशन, गुणवत्ता कीमत के साथ आती है, गुणवत्ता कीमत के साथ आती है, ठीक बिल्कुल सही है। भारत शिक्षा पे काफी खर्चा कर रहा है, ठीक है ना, क्वालिटी कम, भारत में शिक्षा गुणवत्ता जरूर सुधार होगा, ठीक भारत में शिक्षा सुधार होगा नहीं, केवल फंडिंग से ही शिक्षक गुणवत्ता होता है, केवल फंडिंग से, केवल वर्ड आ गया ना ऑनली, ये तो नहीं हो सकता। क्वालिटी कम्स विथ द प्राइस, क्वालिटी कम्स विथ द प्राइस, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन, इंडिया इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ लॉट फॉर एजुकेशन, सून इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया विल हैपन। बिल्कुल सही बात है, देखो बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव सकारात्मक। अब जब क्या करेगा, वो आदमी बहुत सारा पैसा एजुकेशन में डाल रहा है तो क्या करेगा, नए सिस्टम एस्टेब्लिश करेगा, नए फैकल्टीज रिक्रूट करेगा, कैसे आप उसमें बढ़ोतरी कर सकते हो, उसने कमेटी बैठाया जाएगा, सब कुछ निर्णय लिया जाएगा, इसीलिए उसका पॉजिटिव इफेक्ट है। इसलिए पहला यहाँ पर क्या होगा, मान्य होगा, सेकेंड क्या होगा, अमान्य, क्योंकि इसमें वर्ड ऑनली आ चुका है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है, फैशन इज अ फॉर्म ऑफ अग्लीनेस एंड बिकम्स नेसेसरी टू चेंज एवरी 6 मंथ्स। फैशन कुरूपता का एक रूप है और इससे हर 6 महीने में बदलना आवश्यक हो जाता है। ट्रेंड आजकल बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। फैशन डिजाइनर आम जनता के मन को अच्छी तरह समझने में असमर्थ है, ठीक। जनता हर बार नए बदलाव को लेकर चलती है, ठीक। देखो फैशन कुरूपता का एक रूप है और इसे हर 6 महीने में बदलना आवश्यक हो जाता है। 6 महीने बदलना आवश्यक क्यों हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है और आदमी बदलाव चाहता है और बहुत जल्दी बदलाव आ जाता है, ठीक। जनता रहा नया बदलाव लेकर चलती है, बिल्कुल सही बात है। फैशन डिजाइनर गलत है भाई, तभी तो नया ट्रेंड आ रहा है, समझ रहा है, तभी तो नया ट्रेंड चल रहा है, उसके बिना कैसे चलेगा, ठीक। नेपाल वॉज सेलेक्टेड बाय द यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नेपाल को यूनेस्को कार्रवाई कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना गया था। भारत के लिए बुरी खबर, क्योंकि नेपाल चीन के साथ अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपेरिजन है, ठीक, तो गलत है। नेपाल हमेशा बात के अच्छे मित्र है, वहां से बात नेपाल की हो रही है, नेपाल से किससे क्या रिश्ता, हमको उसके बात हो रही है, बस नेपाल से बात हो रही है कि यूनेस्को का वो यहाँ पर क्या दिया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड बन चुका है, मतलब उसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा चुना गया है। तो बात सिर्फ नेपाल की हो रही है, नेपाल के किसी और से रिश्ते के बारे में बात हो रही है, अपने को से मतलब नहीं है, नेपाल से भारत का क्या रिश्ता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो दोनों वैलिड नहीं, अब थोड़ा सा गति प्रदान कर लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आना चालू हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। मायावती ने ऑपरेशन ग्रीन ठंड का विरोध करते हुए 2 दिवसीय बंद का आह्वान किया, ठीक। मायावती ऑपरेशन के खिलाफ है, तभी तो बंद का आरोप किया, ठीक। ऑपरेशन समर्थ करते बिल्कुल नहीं, विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि मायावती ने यहां पर क्या किया, 2 डे बंद ऑपरेशन ग्रीन ठंड के बारे में इस ऑपरेशन के खिलाफ है, तभी तो बंद कर, तो सिर्फ एक यहां पर क्या होगा फॉलो। मुंबई और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर है, लेकिन यदि यात्रा समुद्री मार्ग से की जाए तो 280 किलोमीटर तक कम किया जा सकता है, इससे प्रति वर्ष 7.92 करोड़ रुपए की ईंधन की बचत होगी, क्योंकि सड़क मार्ग लंबा है और सी रूट क्या होता है आपके पास इजी आ जाता है, जल्दी आप पहुंच जाते हैं, तो ईंधन का आपको बचत होगा, ठीक। समुद्री मार्ग से यात्रा करना सड़क मार्ग की तुलना में कम महंगा है, ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे उसके बारे में बताएंगे, दोनों गलत है। देखो बात किसकी हो रही है, मुंबई और जाफरा के बीच में हो रही है
और उस जगह पर्टिकुलर समुद्री मार्ग से किया जाए 200 कम 80 किलोमीटर तय किया जा सकता। तो समुद्री कम महंगा है कि नहीं, डिपेंड है किस रोड पे जा रहा है, किस एरिया में जा रहा है, किस जगह जा रहा है, उसके ऊपर आपके पास डिपेंड है कि आपके पास वो मार्ग आपके पास जो दिया हुआ है यात्रा का वो आपके पास कम है कि महंगा है, डिपेंड है उसके ऊपर। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते। और ईंधन पर बड़े बचत की जानी चाहिए, ये इंडिपेंडेंट रूप से सही है, लेकिन कथन में उसके बारे में कोई अपने को विशेष बात नहीं किया गया है। पहले बताया था आपके पास जो निष्कर्ष होगा, कंक्लूजन आर्गुमेंट होगा, अजम्पशन होगा, वो इंडिपेंडेंट रूप से आपके पास सही हो सकता है, लेकिन वो उससे अगर रिलेटेड नहीं है तो वो नहीं मान्य होगा। इन पॉलिटिक्स द रोल ऑफ मनी इज वाइटल। ठीक, क्या बोला है कथन में, राजनीति में पैसों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक गरीब आदमी की राजनीति में गलत नहीं, बिल्कुल गलत बात है, कौन बोला? और राजनीति अमीर लोगों के लिए नहीं, राजनीति सबके लिए। हाँ, अमीर होंगे तो राजनीति में बेनिफिट होगा, ये आप बोल सकते हैं, क्योंकि द रूल ऑफ मनी इज वाइटल, आप ये बोल सकते हो। सिर्फ अमीर करेगा तो आप नहीं बोल सकते, दोनों गलत। टॉप 10% ऑफ नेशनल हाउसहोल्ड शेयर 35% ऑफ द नेशनल कंट्रीब्यूशन। राष्ट्रीय परिवारों के शीर्ष 10% की राष्ट्रीय आय 35% से, ये हम जानते हैं कि भारत में या विश्व में सब जगह आय की असमानता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है, तभी हमने रिच और पुअर की कैटेगरी में लोगों को डिफाइन किया हुआ, रिच क्लास, मिडिल क्लास, पुअर क्लास में डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, स्थिर अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ उत्पन्न राजस्व आबादी कुछ हिस्सों की ओर निर्देशित करता है। विथ इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेबल इकोनॉमी द जनरेटेड रेवेन्यू इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन पॉकेट्स ऑफ पॉपुलेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, स्थिर अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ उत्पन्न राजस्व आबादी कुछ हिस्से का, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास जो राजस्व उत्पन्न होता है वो क्या होता है कि वो सभी वर्गों के उत्थान के लिए किया जाता है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर वर्ग के उत्थान नहीं आता, वो मानवता के उपयोग किया जाता है। जैसे बोलेगा कि सड़क का निर्माण होगा, हॉस्पिटल का निर्माण होगा, स्कूलों का निर्माण होगा, अब उसमें रिच आए पुअर आए वो मैटर नहीं करता है। तो राजस्व का जो होता है वो किसके लिए जाता है पैसा, वो सोशल वेलफेयर के लिए जाता है, तो किसी पर्टिकुलर आप वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के आपके पास नहीं जाता है। भारतीय में राष्ट्रीय आय का वितरण एक समान नहीं है, ठीक है ना, बात यहां पर क्या कर रहा है, टॉप 10% ऑफ नेशनल हाउसहोल्ड, यहां बात पूरे विश्व की होती है, यहां सिर्फ भारत की नहीं होती, समझ में आ रहा है? यहां पर भारत के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर भारत के बारे में बात नहीं, लेकिन यहाँ पर भारत के बारे में बात हो रही है तो ये भी गलत होगा क्योंकि इससे रिलेटेड नहीं। अलग बात है कि इंडिपेंडेंट रूप से सही है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके पास नहीं है। ठीक, मैं पहले बता रहा स्टेटमेंट एजम्पशन क्लोजना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यही आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और अधिकारी होने के नाते ये वाले प्रश्न आपके पास निश्चित तौर बनने चाहिए, और ये वाले प्रश्न आपके इसीलिए पूछे जाते हैं जिससे आपकी निर्णायक क्षमता का चयन किया जाता है। ICRA और CRISIL ये आपके पास दिया हुआ, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंस ऑफ ICRA एंड CRISIL, ठीक, उपस्थिति के बजाय निवेशक अपने निवेश की सुरक्षा के लिए IT कंपनियों के लिए अलग रेटिंग एजेंसियों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जो निवेशक यहाँ पर क्या दिया, भारत के पास जो कंपनी ना ICRA CRISIL यहाँ पे निवेशित है ना, ये एजेंसी है जो क्या करती है आपके पास, जो ये भारतीय कंपनी है जो क्या करती है, जो निवेश आपको किस जगह करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये आपके पास ये आपको बताती है। ठीक, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर बोल रहा है कि IT कंपनी को उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि IT कंपनी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे भी आप देखते हैं जब IT होता है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, वो बहुत सारे मेजर चीजों को देखते हैं कि मार्केट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, कौन कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपकमिंग पिछले बार में यहाँ पर क्या गलतियां हैं, कि अपकमिंग रेशियो क्या होगा, किस जगह प्रॉफिट होगा,
तो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो इसलिए लोगों को यहाँ पर उन पर थोड़ा सा ज्यादा भरोसा होता है, ठीक है, क्योंकि अभी का जमाना क्या टेक्नोलॉजी पे निर्भर आपके पास होना चालू कर दिया है। आईटी कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए योग्यता के साथ निवेश विशेष कर आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तभी तो यहां पर बोला स्पेशल स्किल्स, तभी तो वहां पर आईटी स्किल्स साथ में यहां पर कर रहा है, ठीक। विद द इंप्लीमेंट ऑफ दिस द इन्वेस्टर्स विल फील प्रोटेक्टेड अबाउट द इन्वेस्टमेंट, हाँ बिल्कुल सही है, अगर वो आ जाएगा तभी तो डिमांड कर रहा है, आपको चीज का डिमांड कब करते हैं, और जब आपको मिल जाएगा तो आप क्या करें, सिक्योरिटी फील करेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज अभी आपके साथ एक राजनेता है और आप बोलेंगे कि मुझे पर्टिकुलर जेड टाइप की सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज यू आर फील अनप्रोटेक्टेड, एंड वंस यू गेट द प्रोटेक्शन ऑफ द दिस जेड सिक्योरिटी यू फील प्रोटेक्टेड ऑटोमेटिकली इज देयर, दैट इज द सेकंड वन इज बोथ आर वैलिड। यंग विराट कोहली शुड टेक द कैप्टेंसी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बात कब हो रहा है कि यंग विराट कोहली शुड टेक द कैप्टेंसी ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडिया हैज लॉस्ट द सीरीज ऑस्ट्रेलिया एंड द कैप्टेंसी ऑफ दिल्ली, उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। यंग कैप्टेंस आर एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक, हाँ ये बोल सकते हैं आप कि यंग कैप्टेंस जो होते हैं वो एनर्जेटिक होते हैं और एंथुसियास्टिक होते हैं, आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते किसी ने और ने उसे हरा दिया है उसके लीडरशिप में इसलिए आप उसको ले लेते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं उसको लेना चाहिए क्योंकि वो यंग है तो वहां पे एनर्जेटिक होगा और क्या होगा एंथुसियास्टिक होगा, तो सिर्फ और क्या होगा दूसरा आपके पास क्या होगा वैलिड होगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पारंपरिक सांडों को वश में करने के लिए जल्लीकट के आयोजन की अनुमति दी है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंडक्टिंग ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट जल्लीकट, ठीक। जल्लीकट में यहां पर एक ठो खेल होता है जिसमें यहां पर क्या सांडों को जैसे अपन क्या होता है बुलेरे जैसे वो दिखाता है लाल वाला जो अपन वो वहां पर चलता है कहां पर विदेशों में चलता है, तो वैसे यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेडिशनल यहाँ पर एक प्रोग्राम है यहाँ पे कहाँ पे तमिलनाडु में हो जाए। कर्नाटक के लोग सांडों को वश करने में खेले परिचित है, अरे भैया यहाँ पर बात तमिलनाडु का हो रहा है और यहाँ पर कर्नाटक का, तो ये भी बहुत बार गलती होते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं हम यहाँ पे जिसके हम क्या फोकस क्या करते हैं जल्लीकुट्टम पे करते हैं, जल्लीकुट्टम यहाँ पे क्या बोलते हैं सांडों के बारे में, लेकिन हीरे के बारे में बात हुई वहां पे तमिलनाडु और यहाँ पे कर्नाटका है, तो इसलिए पहला क्या होगा गलत होगा। क्रिकेट इज फेवरेट स्पोर्ट तमिलनाडु, क्रिकेट के बारे में बात ही नहीं हो रही वहां पे जल्लीकट के बारे में बात हो रही जो कि तमिलनाडु में खेला जाना है, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते फेवरेट ऑफ तमिलनाडु, हाँ क्योंकि वहां पे चेन्नई से वहां पे धोनी खेल रहा है इसलिए उसको बहुत पसंद है सब उसको भगवान मानते हैं, दैट इज द अदर केस। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया आतंकवादी हमले के कारण बांग्लादेश के अंडरनोट टूर्नामेंट से हट गया है, ऐसा हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डरपोक है, नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में सुरक्षा कारण है इसलिए तो हटा है यहाँ पर, जैसे अभी देखते भी आप इंडिया भी पाकिस्तान पर नहीं खेलती है, इंडिया पाकिस्तान एक नहीं खेलती, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया डरपोक है, वहां अपने सुरक्षा कारण है, क्योंकि वहां पे जो सुरक्षा कारण है जो होना चाहिए वो उस लेवल का नहीं है कि जो इंडियन को प्रोटेक्ट दे सके, और सेम वहां पे क्या हो जाए बांग्लादेश वहां पे वो सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी जो ऑस्ट्रेलिया चाहती है या उनको जो वहां पर मिलता है, तो देयर आर सिक्योरिटी रीजंस, इसलिए सिर्फ क्या होगा टू वैल्यू। झारखंड राज्य ने राज्य में भूमि बैंक वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है, झारखंड राज्य ने क्या झारखंड स्टेट हैड इनॉग्रेटेड द स्टेट्स लैंड वेब पोर्टल, ठीक है, इससे निवेशकों की भूमि समझ आएगा, बिल्कुल सही बात है क्योंकि उसमें लैंड बैंक किया था और सरकार भी बिल्कुल सही बात है, तभी तो वहां पे क्या है झारखंड स्टेट ने यहाँ पर क्या किया, कोई भी चीज यहाँ पर क्या एक स्टेट बैंक लॉन्च किया हुआ है, तो कोई भी चीज लॉन्च करता है सरकार, कोई भी सरकार हो चाहे भारत सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार हो, कोई भी चीज लॉन्च करता है वहां पर तो वो चाहती है कि उससे आपको उसको राजस्व मिले और उस चीजों को वहां पर क्या करते लोगों तक यहाँ पर पहुंच सके, जब लोगों तक पहुंचेगा उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों आपके पास। आईएसआईएस पाकिस्तानी एजेंसी है आर मर्डरिंग द सिटीजंस ऑफ इराक एंड ईरान,
ठीक, IAS इराक और इनका हत्या कर रहा है। लाइफ ऑफ रिमेनिंग पीपल नहीं बोल सकते आप। देखो यहां पर स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, IAS आर मर्डरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ईरान एंड इराक, स्टेटमेंट ही दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली बात, वहां पे मर्डर कर रही है तो बाकी लोग को जाने यहां पर क्या खतरे में है, और यूएन को बहुत स्टेट एक्शन आपके पास लेना चाहिए। तो दोनों सही, ठीक, दोनों सही। केंद्र सरकार ने 6 नए IIM की स्थापना की, IIMs, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो MBA कराता है। अब IIM अलग है और MBA की यूनिवर्सिटीज अलग होती है, याद रखें, समझना उसको। जैसे आप ठीक IITs होता है, वैसे IIMs होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट्स, ठीक। नए IIM में अधिक संख्या में छात्र नामांकन होगा, न्यू IIMs विल एनरोल मोस्ट नंबर्स, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और IIMs कॉस्टली, क्योंकि ये कोई आम MBA इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा है, या MBA कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा है, बात IIM की हो रही है। तो जहां पर IIM होगा तो ऑब्वियसली वहां पे जहां भी डालेगा वहां बच्चे आएंगे ही आएंगे, और उसका इंसाफ करने में तैयार होने में बहुत सारा पैसा लगता है। IIM हो गया, IIT हो गया, ये भारत के रिनोड इंस्टीट्यूट्स हैं। इसमें आप कोई सा भी यहाँ पर क्या होता है, कोई सा भी इसमें हल्का सा भी यहाँ पर क्या होता है, ढीला पक्ष आपके पास नहीं होता है, हर एक चीज टॉप क्वालिटी की होती है, टॉप मोस्ट क्वालिटी की। एवरीवन लव्स रीडिंग गीता, गीता पढ़ना हर क्यों, गीता एक मात्र आध्यात्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल नहीं। और किसी को और पसंद नहीं करता, बोले गीता को सब पसंद करते हैं, ये बोले। तो गीता सब पसंद करते, इसका मतलब ही नहीं गीता को छोड़ कोई दूसरा आपके पास ज्ञान आपको नहीं दे सकता, या लोग गीता को किसी को पसंद नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते। Do not throw the garbage outside the dustbin. ऐसा निर्देश है, ये निर्देश है, तो हम ये मांग चलेंगे कि लोग निर्देश का पालन करेंगे। कूड़ा कारने बाहर फेंकना संभव है? हाँ बिल्कुल संभव, तभी तो बोलते हैं आपका ऐसी दानी का असर होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो दिया गया है आपको। निर्देश क्यों दिया गया है? क्योंकि लोग उसको बाहर फेंक रहे हैं, और निर्देश दिया गया इसका मतलब क्या होगा, उसका पालन किया जाएगा, ऐसा हम उसका सकारात्मक सोच लेके चलते हैं। बच्चे को 3.5 वर्ष या उसके आसपास की उम्र में स्कूल भेजना वांछनीय है। इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 3.0 इयर्स और सो। इस उम्र में वो सीखने के लिए तैयार होते हैं, बिल्कुल से तभी तैयार। और स्कूल्स डू एडमिट ऑफ द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चाइल्ड आफ्टर 4 इयर्स ऑफ, 4 साल के बाद, बिल्कुल गलत है। 3.5 वर्ष इसलिए बोला गया क्योंकि उस उम्र में वो सीखने के लिए तैयार होते हैं, वहां पे धीरे धीरे बिल्टअप होना चालू करते हैं, इसलिए वो उम्र बिल्कुल सही है। शिवम ने दिल्ली में अपने भाई को विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी के अनुसंधान में डिग्री लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्राप्त करने के लिए लिखा है। बात क्या क्या व्यक्तिगत रूप से लिखने के लिए बोला है, क्यों? या संभव हो सकता है कि विश्वविद्यालय भावी छात्र की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर मेंशन किया है कि सिर्फ आप ही व्यक्तिगत रूप से लिखो। या संभव हो सकता है शिवम भाई का आवेदन पत्र, तभी तो होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इवेंट होने के बाद तो कोई आपको इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, आपको हमेशा क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा, वो कब मिलेगा आपको, वो इवेंट होने से पहले आपको उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लोगों के लिए फिल्में देखना आसान हो गया, हाँ बिल्कुल सही, वॉचिंग फिल्म हैव बिकम इजी फॉर पीपल, क्यों? बहुत यूट्यूब हुआ, सोशल प्लेटफॉर्म हुआ, और है ना आपके चीज सब आपके पास क्या, फिल्म मनोरंजन एकमात्र माध्यम है, बिल्कुल गलत है। लोगों को फिल्में देखने पसंद नहीं आती, बिल्कुल सही गलत है, डिपेंड्स, अच्छी होगी तो बिल्कुल पसंद आएगी, ठीक। फिल्म्स आर ओनली मेड ओनली मीडिया फॉर एंटरटेनमेंट, हाँ 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 ठीक है। विटामिन डी इंप्रूव बोन्स, विटामिन डी की गोलियां हड्डियों में सुधार लाती है, विटामिन डी की गोलियां से हड्डियों में सुधार आता है। लोगों का हड्डी मुझे पसंद होती है, होती है, लेकिन विटामिन डी से रिलेटेड है क्या? नहीं। स्वस्थ हड्डी का स्वाद हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल सही,
देखना ये दोनों कंधन इंडिपेंडेंट रूप से सत्य है, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विटामिन डी के बारे में होती है। विटामिन डी खाने से यहाँ पर क्या होता है, बोन्स में आता है। तो हम ये बोल सकते हैं बोन्स को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर क्या होता है कि आप ये बोल सकते हैं कि बोन्स इंप्रूव करने के लिए आप विटामिन डी गोली खा सकते हैं, नहीं खाएंगे तो आपका हेल्थ आपका क्या बोन्स कमजोर हो जाएगा आपके पास, ये आप बोल सकते हैं ठीक है। या चोट लग गया होगा तो आप अगर किसी बोन में चोट लग गया है तो उसको सुधार के लिए आप विटामिन डी की गोलियां नियमित रूप से खा सकते हैं, वो सही है। ये दोनों इंडिपेंडेंट रूप से सत्य है लेकिन कथन से रिलेटेड नहीं, इसलिए वो गलत है। सरकार ने धूम्रपान की दरों को कम करने के लिए सिगरेट पर कर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो किसी भी चीज का रेट बढ़ा दिया क्यों, उसको ये लग रहा है, भाग को ये लग रहा है कि रेट बढ़ा देगा तो सिगरेट कर बढ़ा देगा, दरों कम करने पर प्रभावी तरीका बिल्कुल सही है, रेट बढ़ा दो मतलब आम आदमी के रीच से पहुंचा दो, ऊपर बढ़ा दो ठीक है, तो क्या होगा उसको, उसका प्रभावी तरीका होगा। बिल्कुल बंद कर देंगे आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल बंद कर देंगे आप नहीं बोल सकते, हाँ उनका कंट्रोल तो हो गई होगा ऑब्वियस सी बात, क्योंकि रेट अगर आपके रीच से ऊपर पहुंच गया ना तो वहां पर क्या होगा, आम आदमी के साथ वो चीज पहुंच जाएगा तो वहां तक वो चीज ले नहीं पाएगा, तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी। प्रभावी तरीका ये गलत चीजों को रोकने के, प्रमोशन को रोकने के लिए, और ऐसा बिल्कुल बंद हो जाएगा आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। कंपनी रविवार को बंद रहेगी ठीक, क्योंकि अक्सर बंद क्यों रखती है, क्योंकि वो जानता है कार्य जीवन में संतम विश्वास जरूरी है, ये आप इसको बोलते रविवार को कंपनी नुकसान हो रहा है, आप ऐसा नहीं, कंपनी ये कॉमन है, कंपनी नुकसान क्यों बंद कर रही है, क्योंकि बिलियर्स की वर्क लाइफ बैलेंस वहां पे जरूरी है आपके पास ठीक है, और नुकसान हो रहा है ये आपने। रेगुलर एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, रेगुलर एसेंशियल मतलब नियमित अच्छे स्वास्थ्य के नियमित व्यायाम आवश्यक है। जो लोग नियमित व्यायाम नहीं करते उसका खराब रहेगा, नहीं बोल सकते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हफ्ते में एक बार व्यायाम करना पर्याप्त है, नहीं गलत है। नियमित बोल रहा है मतलब नियमित मतलब डेली प्रैक्टिस पे ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास होने वाला। नगर परिषद ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून प्रस्तावित किया हुआ है, ठीक, प्रस्ताव पारित कर दिया है, करेगा तो मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, शहर के सभी लोग नया कानून पालन करेंगे, बिल्कुल सही है। एडवाइस भले बताए आपको, एडवाइस एडवर्टाइजमेंट नोटिस चेतावनी माना जाएगा, भले हम ये माने कि व्यक्तिगत रूप से या फिर आप अपने आसपास के माहौल में उसको वो उसको क्या बोलते हैं उसका प्रभाव भले नहीं देख सकते, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि वो प्रभावी होगा और लोग उसका पालन करेंगे। कंपनी अधिक ग्राहक सेवा में प्रतिनिधियों को नियुक्त कर रही है, कंपनी हायरिंग मोर कस्टमर सर्वे, क्यों करेगा, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ गया होगा, कंप्लेन आने हो चालू होंगे होंगे ठीक, यही सब होगा आपके पास, वृद्धि देखा हुआ है तभी देखा हुआ है, और जो नए लग लेंगे सक्षम होंगे, बिल्कुल सही हो, किसी आप नए लोग लेते, किसी आप जब भी नए लोग को यहीं पर रिक्रूट करते ना तो आप उसका इंटरव्यू सब चीज लेते, उसके बाद तो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल सक्षम होगा, तो ऐसे ही थोड़ी काम में रख लेगा भाई किसी को। अ कॉलेज डिग्री इज नेसेसरी टू सिक्योर अ गुड जॉब, कॉलेज डिग्री बहुत आवश्यक है ठीक, ऑल गुड जॉब रिक्वायर्स अ कॉलेज डिग्री, नहीं, मोस्ट ऑफ द गुड जॉब्स, अगर मैं बोला और मतलब सभी आ गए ना, मोस्ट ऑफ द बोलूंगा तो सही होगा, ये गलत है ठीक है। हैविंग अ कॉलेज डिग्री इज इंक्रीज चांस ऑफ सिक्योरिंग, हाँ कॉलेज डिग्री होने के सर अच्छी नौकरी पाने की संभावना बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कॉलेज डिग्री की महत्वता, यहाँ पर बता रहा है कि बहुत जरूरी है आपके पास, ये बोल सकते हैं कॉलेज डिग्री होने से है ना नेसेसरी टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब, नहीं ये नहीं बोल सकते, कॉलेज डिग्री नेसेसरी है आपके पास, आपके पास होनी चाहिए, उसके ऊपर का डिग्री मिल गया तो आपके पास सही है, तो आप ये नहीं बोल सकते कॉलेज में अच्छा संभावना बढ़ जाती है, ऐसा नहीं हो सकता, वो उसके स्किल के ऊपर है। हाँ ये है कि सरकारी नौकरी अगर अच्छी नौकरी पाना है तो उसके पास आपके पास उसमें से एक फैक्टर है कि वो आपका कॉलेज का डिग्री है, संभावना बढ़ जाती कम हो सकती है, आप इसको नहीं बोल सकते आप ठीक, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपके पास होते हैं। तो ये हमारा सेशन को होता है स्टेटमेंट एजम्पशंस और कंक्लूजन वाला था, अब यही आपके पास स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स वाला रहेगा, काउजिंग इफेक्ट रहेगा, इसका एक और पोर्शन आएगा जिससे आपको और इस टाइप के प्रश्नों को बनाने की जो जो आपके पास स्किल्स है वो आपके पास और डेवलप हो जाएंगे। ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि
ये वीडियो आपके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये निर्णायक क्षमता में आता है, आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में आता है, जो कि सीसेट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और निश्चित तौर पे यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके पास पूछे जाएंगे। ये लगता बहुत आसान है, लोग इसको बहुत बार सोचते हैं कि आसानी से बन जाएगा, लेकिन जब तक कि आप इन पहलुओं को ध्यान में रखेंगे नहीं कि प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है, क्या क्या आता है, तब तक ये प्रश्न इतने आसानी से नहीं बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।